हरियाणा में 75 बार का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही है। इसी कड़ी में हरियाणा पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नैने सोए के कार्यकर्ताओं से पूछते थे कि क्यों इन नेताओं के पीछे लगते हो, ये स्वार्थ से भरे हुए हैं। तो कहते थे नड्डा तुमको नहीं मालूम राजनीति क्या होती है, क्या होती है। मैं आजकल उनसे पूछता हूँ राजनीति क्या होती है, क्या होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और वंशवाद को लेकर हमलावर दिखे। सभी दल या तो वंशवाद से जुड़े हैं, परिवारवाद से जुड़े हैं, व्यक्तिवाद से जुड़े हैं, या अपनी समाप्ति की ओर चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, ऐसी पार्टी है जहां न वंशवाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर है, जिसकी तैयारी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और प्रदेश को फिर से फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। R9 TV के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।